अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट डे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन। वी हैव स्टडीड डाइजेशन इन ह्यूमन एट डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी डाइजेशन इन ओरल कैविटी, देन वी स्टडी डाइजेशन इन फेरंक्स, देन एसोफेगस, एंड देन वी स्टडी डाइजेशन इन स्टमक इन डिटेल। नाउ आफ्टर स्टमक वी स्टडी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ वी स्टडी डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। आज हम जिस पार्ट में डाइजेशन पढ़ रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली जब फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होता है तो इसके अंदर जितनी भी डाइजेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्प्शन होनी है, तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा, फूड के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी। As food enters in our large intestine, when food enters in our large intestine, कि जब food हमारा large intestine के अंदर enter होगा तो digestion पहले ही complete हो चुकी है, इसके अंदर just जो है वो absorption होगी stage में। अब इसको जो है according to structure, large intestine is divided into three parts. लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक पार्ट का इसका नेम है सीकम, सीकम। सेकंड पार्ट का जो नेम है वो है क्लोन, और जो थर्ड पार्ट है इसका वो है रेक्टम। दीज आर द थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ वी विल स्टडी डिटेल अबाउट दीज पार्ट्स। सीकम क्या होता है, सीकम जो है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। तो सीकम जो है फॉर्म्स आर टी जंक्शन, ये टी जंक्शन बनाता है विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। सेकंड पार्ट जो है वो क्लोन है। क्लोन इज बेसिकली परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लोन के अंदर जो है वाटर इज एब्जॉर्ब, जो भी हमारा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसके अंदर जो भी वाटर होगा वो क्लोन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो भी हमारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है उसमें जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर के एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिमेनिंग है वो सॉलिड मैस रह जाएगा। अब इस सॉलिड मैस को जो है वो हम फीसिस बोलते हैं। फीसिस के अंदर जो है वो तीन कंपोनेंट आ जाते हैं। फिसिस एक्चुअली हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होगा जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये बेसिकली इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। एक जो है वो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल, बेसिक कंपोनेंट जो है वो है इसका अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड मटेरियल के अलावा इसके अंदर और भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, अदर मटेरियल्स। अब हम उनको पढ़ लेते हैं कि और कौन कौन से मटेरियल्स जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो अब मटेरियल का है अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट के अलावा, इसके अंदर जो है वो हमारे जो ख़राब सेल्स होंगे, डैमेज डेड सेल्स, स्लाफ्ड सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल के जो डेड सेल्स हैं वो भी आ जाएंगे वेस्ट मटेरियल के अंदर। इसके अलावा जो है वो बाइल पिगमेंट, ये थर्ड कंपोनेंट आ गया फीसिस का। और जो लास्ट पे है जो हमारी जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा वो भी जो है वो हमारे वेस्ट मटेरियल में आ जाएगा, इसको हम कलेक्टिवली जो है वो फीसिस बोलते हैं। अब थर्ड पार्ट जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम का बेसिकली काम जो है ये जो भी हमारा फीसिस होगा उसको टेम्परेली स्टोर करेगी। तो रेक्टम जो है बेसिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ फीकल मटीरियल। फीकल मटेरियल को जो है वो टेम्पररी जो है वो स्टोर करती है। फीकल मटेरियल टेम्पररी जो है वो फीकल मटेरियल को जो है वो स्टोर कर लेगी। अब जब वो फिल हो जाएगा रेक्टम तो जो अडल्ट हैं उनके अंदर जो है वो ब्रेन को एक जो है वो रिफ्लेक्स सेक्शन की फॉर्म में जो है वेव जाएगी, और उससे जो है वो हमारी एनस जो है वो ओपन होगा और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है क्या आ जाएगा कि जब रेक्टम जो होगा वो फिल हो जाएगा, रेक्टम जो है जब फिल हो जाएगा, रेक्टम के फिल होने के बाद जो है वो रिफ्लेक्स
एक रिफ्लेक्स जो है वो हमारे ब्रेन को जाएगी। अब वो ये जो रिफ्लेक्स है वो जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनके अंदर कॉन्शियसली कंट्रोल की जाती है, और उससे जो होगा फिर रेक्टम जो है, रेक्टम का जो एनस होगा वो ओपन होगा, और जो भी फीकल मटेरियल है वो क्या कर दिया जाएगा, जो बॉडी से जो है वो एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाएगा। कैसे कि जो जब रेक्टम कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, रेक्टम के फिल्ड होने के बाद एक जो है वो रिफ्लेक्स ब्रेन को जाएगा, ब्रेन जो है वो फिर एनस को ओपन करेगा और इंस्ट्रक्शन देगा। एनस ओपन होगा तो जो भी हमारा फीकल मटीरियल है बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट आउट जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जो है इस ये एबिलिटी नहीं होती रिफ्लेक्स को, ये रेक्टम को जो है, रेक्टम की ओपनिंग एनस को कॉन्शियसली कंट्रोल करने की, उनमें ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो चाइल्ड होते हैं वो भी लर्न कर लेते हैं कि कैसे जो है उन्होंने अपने इस हैबिट को जो है वो कॉन्शियसली कंट्रोल करना है। नाउ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट दी रोल ऑफ अ लीवर। अब जो है वो हम लीवर का रोल पढ़ेंगे। लीवर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो है लीवर है। फिर इसका जो है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसका कलर जो है वो डार्क रेडिश होता है। ये जो होगा कैसा होगा, मल्टी लॉब्ड होता है, और इसका कलर जो होता है वो डार्क रेडिश होता है। डार्क रेडिश जो होगा वो इसका कलर होगा। अब अगर हम इसका लोकेशन देखें तो लोकेशन के लिहाज से ये कहाँ पे पाया जाता है, ये बिल्कुल हमारे जो है वो डायाफ्राम के नीचे एब्डोमेन की राइट साइड पर होता है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि लोकेशन के लिहाज से ये कहाँ पे है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे, इसकी जो लोकेशन है बीनेथ दी डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन की जो है वो राइट साइड पर मौजूद है, राइट साइड ऑफ एब्डोमन। ये जो है ये इसकी हमारी बॉडी के अंदर लोकेशन है। एक अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर इसका वेट कितना होता है, नॉर्मली जो एक अडल्ट इंडिविजुअल होगा उसके अंदर इसका जो वेट जो होगा वो राउंड अबाउट 1.5 kg होगा, और इसका साइज जो होगा वो राउंड अबाउट एक फुटबॉल के साइज के जितना होगा। इसके साथ एक और स्ट्रक्चर अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है ये पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि लीवर के साथ अटैच होता है। अगर आप लीवर के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पेयर शेप पार्ट है, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर जो कि लीवर के नीचे होता है। इसके अलावा ये जो पार्ट है सारा, ये है हमारी राइट लोब ऑफ अ लीवर, ये जो है ये है हमारा लेफ्ट लोब ऑफ अ लीवर, ये हमारा जो है बिल्कुल इसके नीचे ये वाला पार्ट ये स्टमक है, ये जो है ये हमारा पैंक्रियाज है, ये वाला पार्ट स्प्लीन है, ये इसके नीचे जो है ये हमारे किडनीज होते हैं, ये वाला पार्ट हमारा ड्यूडेनियम है, और ये जो है ये वाली ये बाइल डक्ट है, इसके ज़रिए जो है सक्रीशन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर होंगी। नाउ वी विल स्टडी दी फंक्शंस ऑफ लीवर। नाउ विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ आर लीवर। द फर्स्ट फंक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय आर लीवर इज इट्स रोल इन डाइजेशन। इट परफॉर्म्स आर रोल इन डाइजेशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल विच इज़ परफॉर्म बाय लीवर इन डाइजेशन। एक्चुअली जो लीवर है वो एक सक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है, वो गाल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है, और गाल ब्लैडर से जो है वो उसके गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और वो वहाँ से जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिस्चार्ज कर दी जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि लीवर के अंदर जो है, लीवर प्रोड्यूस अ बाइल, लीवर जो है वो एक सक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है, वो सक्रीशन जो है किसके अंदर स्टोर होती है, गाल ब्लैडर के अंदर। गाल ब्लैडर जो है, जब गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट होगा,
जब गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट होगा, व्हेन गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट देन बाइल इज रिलीज्ड इनटू अ ड्यूटेनियम, बाइल इज रिलीज्ड इनटू अ ड्यूटेनियम. ड्यूटेनियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो बाइल है वो हमारा ड्यूटेनियम के अंदर आ जाएगा थ्रू अ डक्ट विच इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट. उस डक्ट को हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. अब इधर अगर आप, मैंने भी आपको एलैबोरेट किया था, यहाँ पर लीवर अपनी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करके गाल ब्लैडर के अंदर यहाँ पर जो है वो स्टोर कर देगा. जब गाल ब्लैडर कंट्रैक्ट होगा तो गाल ब्लैडर के कंट्रैक्ट होने से ये वाला जो ट्यूब है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. तो ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए जो सेक्रीशन होगी वो हमारी ये ड्यूटेनियम के अंदर जो है वो इंटर हो जाएगी. तो अब जब ये ड्यूटेनियम के अंदर इंटर हो जाएगी तो इस बाइल के अंदर जो है वो बेसिकली जो है इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, और ये सॉल्ट जो है वो हेल्प करते हैं लिपिड, ये सॉल्ट्स क्या करेंगे लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम की हेल्प करेंगे, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम की हेल्प करेंगे क्या करने में, फॉर डाइजेशन ऑफ अ लिपिड. लिपिड को डाइजेस्ट करने में ये सार जो है वो हेल्प करेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट process which is performed by a liver. Now we'll study other function which are performed by liver. Second which function which is performed by liver is deamination. Deamination, लीवर आल्सो परफॉर्म अ रोल इन डीएमिनेशन. डीएमिनेशन क्या है कि अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का अलहदा हो जाना, उसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन. वी कैन से दैट रिमूव अमाइनो ग्रुप, कि डीएमिनेशन में क्या करेंगे जो है वो अमाइनो ग्रुप को जो है वो रिमूव करवा देंगे. इस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन बोलते हैं. थर्ड फंक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय अ लीवर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये जो है ये यूरिया बनाने में भी पार्टिसिपेट करते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है. अमोनिया इज़ द टॉक्सिक फॉर्म एज़ कम्पेयर टू यूरिया. अमोनिया को बॉडी से डिस्कार्ड करने के लिए ज़्यादा जो है वो वाटर रिक्वायर है. तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में चेंज कर देता है. यूरिया कैन बी एक्सक्रिएटेड फ्रॉम अ बॉडी विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय अ लीवर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल. डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी एवरेज एज जो है वो 120 है. तो जो ओल्ड सेल्स हैं उनकी जो डिस्ट्रक्शन होती है वो हमारे लीवर में जाके होती है. लीवर जो है पुराने रेड ब्लड सेल्स को जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं. नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन. लीवर आल्सो परफॉर्म अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन विच इज नोन एज फिब्राइनोजन. एक्चुअली जो लीवर है वो हमारा एक प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को हम बोलेंगे फिब्राइनोजन. फिब्राइनोजन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये रोल परफॉर्म करेगी. दिस इज अनदर असेंशियल, this is another essential function which is performed by liver. Next function which is performed by liver is interconversion of glucose. Interconversion of glucose. अब लीवर क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, कि अगर जो है वो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में है तो उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा. इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ अ ग्लूकोज देन ग्लाइकोजन इज ट्रांसफर्ड इनटू अ ग्लूकोज. इन दिस वे लीवर परफॉर्म अ रोल इन इट्स कन्वर्जन. नेक्स्ट इट आल्सो परफॉर्म अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. Production of cholesterol. Actually, लीवर कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. एक्चुअली लीवर क्या करता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होंगे इनसे जो है वो लिपिड्स प्रोड्यूस होंगे और कोलेस्ट्रोल्स प्रोड्यूस होंगे. प्रोड्यूस लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रोल. दिस इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय अ लीवर.
Moreover, it is also produce heat. Production of heat is also performed by a liver. Moreover, it is also a source of fat soluble vitamins. लीवर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फैट सॉल्बल विटामिन, कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर फैट सॉल्बल विटामिन हैं वो भी अक्सर हमें लिपिड से मिलते हैं. मोर ओवर इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मिनरल आइंस. दीज आर दी फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय अ लीवर.